ले जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। एंड इसका आप साउंड सुन सकते हैं, देखिए साउंड का जो है ना, इस बाइक का जो साउंड है। हे गाइस, तो मेरे चैनल पे फिर से आपका स्वागत है, विवेक डायरीज में। तो आज थोड़ा पेट वेट दर्द कर रहा है यार, मतलब कल एक्चुअली ये थोड़ा सा जो बिहू चल रहा है, अभी नया साल चल रहा है, ऐसे में इसका नया साल चल रहा है, तो इसलिए सोचा कि बाहर जाकर कुछ खा के आते हैं। बट कल जब खाया मैंने तो कुछ पुराना चिकन दे दिया, तो मैं वो खाया तो आज पेट बहुत दर्द कर रहा है यार। टैबलेट भी ले रहा हूँ बट काम नहीं कर रहा है। तो आज का जो ब्लॉग है, बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आज का जो ब्लॉग है ये है आपका इस बाइक के ऊपर। और ये बाइक आप पहचान रहे हैं, ये कौन सा बाइक बताइए? यस, जी हाँ, मेटियोर फायरबॉल। एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मतलब कि मैं जैसे चलाया है तो मुझे कैसा लगा वो फील, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इस बाइक का जो मतलब बैठने का कंफर्टेबल सीट एंड स्मूथनेस काफ़ी बेटर है, लाइक मेरा एनफील्ड के जैसा ही। तो ये मैं आपको कल बताऊँगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो डबल जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक और मेटियोर फायरबॉल के जो डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आज आपको सिर्फ मैं मेटियोर के बारे में बताना चाहता हूँ। अब फिलहाल क्या है, जो फायरबॉल में ये सब पीछे जो सेफगार्ड होता है तो ये नहीं दिया फिलहाल, क्योंकि जो पीछे बैठता है तो उसको आराम मिलता है ना, बट यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। अगर झटके में बाइक को एक्सीलेटर दबा दे तो क्या होता है, पीछे का जो बैठता है वो थोड़ा सा लाइक यू ऐसा हो जाता है, तो वही है। और बाकी जो आपको बताऊँगा, जैसे कि ये है आपका एलॉय का है, ये स्पोक का नहीं है, और मेटियोर का एलॉय ही मिलता है आपको, ठीक है। और बाकी जो इंजन है, जो सीसी है मेटियोर 350 सेम डबल दोनों का एक ही है। और जो शशांक ने लिया है, आपको वीडियो में बताया था, इसने एक नया बाइक लिया है, तो वही इसका बाइक है, देख सकते हैं, रेड कलर का, और काफ़ी सेक्सी बाइक है। टायर्स एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप देख सकते हैं अच्छे से, अगर लेने से पहले आपको देखना ज़रूरी होता है। एंड इंजन 349 cc 20.2 bhp at 600 rpm SOHC इंजन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि दो तीन दिन चलाया उसने, मतलब गाय जैसे, भैंस गाय बैल जैसा चलाता है ना, तो वैसा उसने अपने बाइक को भी चलाया। एंड कि यहाँ पे इस पे इसका वो नहीं है, यूएसबी जो चार्जर केबल ऐसा नहीं कह रहा, ओ हाँ नीचे 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 इसका है, यहाँ पे आपको यूएसबी केबल का चार्जर पॉइंट भी है यहाँ पे। और बाकी तो स्टार्ट पता है आपको कैसे स्टार्ट करते हैं, ये एग्जैक्ट रॉयल एनफील्ड ने मतलब यही दिया है कि आपको कैसे स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ये देने से आपका स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाकी ये आपका इसमें और एक चीज़, इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे एनफील्ड में ये नहीं है, जैसे कि नेविगेशन जो है, लेकिन इसमें नेविगेशन रॉयल एनफील्ड ने मेटियोर में दिया है, तो ये एक ख़ास चीज़ है। और बाकी आप अपने जो जिसका जो यूज़र है, जिसका बाइक है, हम उसी से पूछते हैं कि उसको चला के कैसा फील हो रहा है। चला में तो बढ़िया है, बहुत आराम है, हैंडलिंग भी, बाइक तो ऐसे भारी है लेकिन हैंडलिंग में इतना भारी नहीं लगता है, सॉफ्ट लगता है, हैंडलिंग में भारी नहीं लगता है। और बाकी तो सेमी है, क्लासिक जैसा ही है। तो उसका उसका आंसर वही है कि अच्छा है, सही है, स्मूथ है, बस वही है। तो अब मैंने जैसे चलाया तो यस, मतलब कि अगर मैं क्लासिक 350 चलाया था मैंने, तो अपना जो क्लासिक 350 है काफ़ी भारी है। बट आपको जब मेटियोर में आप चलाओगे, आप जब मेटियोर में राइड करोगे, तो आपको नहीं लगेगा कि मतलब बहुत हार्ड है या फिर बहुत मतलब वेट है बाइक का, वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही हल्का है, मतलब आप अगर हैंडलिंग में, हाँ हैंडलिंग में तो स्मूथ है, प्लस बाइक भी बहुत स्मूथ है, मतलब लाइक बहुत ही वेट कम है इसका। वैसे आप जब अगर मान लीजिए कि आप बाइक को ऐसे पैदल लेके जा रहे हो, तब हाँ आपको दिक्कत होगा, बट बैठने के टाइम पे जब बैठोगे आप, तो बैठने के टाइम पे जब चलाओगे तो मतलब आप खुद ही जानोगे कि आपको कैसा फील होगा। यस, बाइक को थोड़ा घुमा ले। एंड इसका आप साउंड सुन सकते हैं, देखिए साउंड का जो है ना, इस बाइक का जो साउंड है, तो इस बाइक का आपने साउंड सुन लिया है, इसको हाँ ऐसा कर दे,
अब चलिए आपको अच्छे से बाइक का पूरा अच्छे से पूरा सराउंडिंग आपको अच्छे से दिखाते हैं। यस, अभी फिलहाल उसने चलाया है आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ अच्छा है, इसे एक ऑप्शन है कि आप यहाँ दबाओगे ना, दबाने से आपका क्या है, यहाँ पे आपको किलोमीटर्स देगा कि इसने कितना चलाया है। तो अगर मैं दबाऊंगा, अभी फ़िलहाल किलोमीटर्स दिखा रहे हैं, अगर फिर से दबाऊँ तो इसमें देखिए 86.4 किलोमीटर ट्रिप ऑलमोस्ट हो चुका है। और एक बार अगर मैं दबाऊँ तो 408 किलोमीटर चल चुका है फिलहाल। और टाइमिंग तो आप देख सकते हैं, है ना, एंड यहाँ पे सब कुछ दिया, एंड नेविगेशन भी दिया गया है, यहाँ पे ट्रॉन फिल्ड पूरा दिया है। एंड जो इसका जो क्वालिटी देखिए, ये जो लोहे का जो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, एंड जो फिनिशिंग वगैरह है। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि ये देखिए, ये जो वायर्स ऐसा जो लटका के रखा है तो वो मुझे इतना फिनिशिंग नहीं लग रहा है। अब नहीं पता अगर मैं जैसे कि मेरे काफ़ी दोस्त लोग ने बोला है कि ये निकला हुआ है तो इसको अगर अच्छे से फिट कर देते तो शायद रॉयल एनफील्ड ने, तो काफ़ी मज़ा आता देखने में भी लुक्स वाइज। बट ऐसा तो फील नहीं होता है, बट देखिए आप खुद ही देखिए वायर ऐसे निकला होता है। बट ठीक है, इट्स ओके, कुछ कुछ चीज़ों में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और एन इंजन 349cc 20.2 bhp एट 600 rpm SOHC इंजन। एंड हाँ, मेटियर में डुअल ABS है, सिंगल आगे ABS और पीछे भी ABS है। एंड जो ब्रेक का जो अगर बताऊँ तो ब्रेक भी यस टफ है, मतलब लाइक हार्ड है ब्रेक। एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस था, तो ऑन रोड प्राइस कितना था, 217 ऑन रोड प्राइस। एंड जैसे कि डाउन पेमेंट अगर बताया तो इसने वही 35-40,000 कुछ समथिंग उसने डाउन पेमेंट 35,000 डाउन पेमेंट किया है। और आपको अगर आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में जाएंगे तो शायद आपको 35 में आपको मिल जाएगा। तो ऑफ़र वाइज चलता रहता है, लाइक मंथली ऑफ़र चलता रहता है। अभी फिलहाल ऑफ़र क्या चला है वो मुझे नहीं पता, बट मैंने जो अपना क्लासिक लिया था तो उसका ऑफ़र चल रहा था, लोग स्लाइड थोड़ा सा कम में मिली है मुझे। और शशांक ने लिया था 35 डाउन पेमेंट लिया था। एंड या एंड हाँ, इसने अभी फ़िलहाल उसका नंबर प्लेट नहीं आया क्योंकि 3-4 दिन ही हुए बाइक लेते हुए, एंड लेगा लाइक 1.5-2 महीने के बाद वो आता है। और बाकी नंबर प्लेट तो कल परसों तक मिल जाएगा उसको। नंबर प्लेट का जो गार्ड लगाएंगे तो गार्ड में आपको एक्स्ट्रा 200 आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने गार्ड लगाया, जैसे कि मैंने यहाँ पे गार्ड लगाया तो गार्ड का एक्स्ट्रा आपका 200 एक्स्ट्रा पड़ेगा अगर आप गार्ड लगाओ तो। एंड बाकी अगर हेडलाइट का बात कहें तो ये आपका हेलोजन लाइट है। एंड यहाँ पे दो बोर्ड साइड में आपका डिस्क ब्रेक मिलेगा आपको, डिस्क ब्रेक भी काफ़ी मजबूत है। एंड ये जो आपका ब्रांड है, ये अच्छा ब्रांड है आपका रॉयल एनफील्ड, ये अच्छा ब्रांड में उन्होंने प्रोवाइड किया यहाँ पे। एंड यस, तो बाकी आपको जो प्रॉपर जो रिव्यू मैं पूरा दे तो नहीं पा रहा हूँ, बट एज ए मैं जैसे चलाया तो मुझे अच्छा लगा बाइक। कल भी मैंने चलाया था तो काफ़ी स्मूथ है। और अगर आप लाइक कहीं दूर जाना चाहते हो तो ये बाइक आपके लिए बना हुआ है। एंड ये ऑलमोस्ट एक प्रॉपर क्रूजर बाइक है, आप दूर जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं इस बाइक को। अगर हम रॉयल एनफील्ड का बात क्लासिक का बात कहें तो क्लासिक से ज़्यादा आपका बेटर लॉन्ग जर्नी के लिए क्रूजर बाइक ये बाइक है, और इसमें आप जा सकते हैं और जा भी जाए। एंड बाकी अगर हम सीट कहें तो आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं सीट कितना अच्छा है। एंड यस, मैंने ये पहले भी मैंने ब्लॉग में बनाया था कि जैसे कि हम चला रहे हैं बाइक को, तो जैसे कि मान लीजिए मैं ब्रेक दे, सडनली मुझे किस बजाना है, हॉर्न बजाना है, तो क्या होता है उंगली ज़्यादा फटाफट सडनली यहाँ पे नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर रॉयल एनफील्ड और थोड़ा सा अगर पास बनाए तो शायद बेटर रहेगा। एंड देख सकते हैं थोड़ा सा ले जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। एंड मेरा जो हाइट है प्रॉपर 5'10" एंड 5'10" हाइट के लिए भी ये देख सकते हैं लेग फोल्ड हो जाता है। एंड इससे अगर थोड़ा 5.5 अगर हाइट भी हो तो यस आप चला सकते हैं। एंड आपको जो ये देखिए शशांक, ये दिखा मैं जो बैठने का जो ये बैकबोन का जो स्टाइल है ये देखिए, और ये आपको बैठने पे कंफर्टेबल रहेगा। ये आप ऑलमोस्ट दूर लॉन्ग जर्नी आप आराम से कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है।
और लाते रहिए और नए नए बाइक्स लाइए। और यस, थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड। एंड ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मेटियोर एंड क्लासिक 350 का डिफरेंसेस बताऊँगा आपको। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, बाय।